नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक डाकू अंगुलीमाल की कहानी और बुद्ध का संदेश। बहुत समय पहले की बात है, एक पागल हत्यारा था जिसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल ने एक व्रत ले रखा था कि वह अपने जीवन में 1000 लोगों को जान से मारेगा। अंगुलीमाल के व्रत लेने का एक कारण था, दरअसल अंगुलीमाल जहाँ रहता था वहाँ के लोग उससे उचित व्यवहार नहीं करते, इसलिए उसने बदला लेने का निश्चय किया। इसलिए वह 1000 लोगों को मारने का व्रत लेता है। अंगुलीमाल जिस किसी को मारता है उसकी एक अंगुली काट लेता और उसके गर्दन पर एक माला जैसा निशान बना देता, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। इसलिए अंगुलीमाल से सभी डरते थे, यहाँ तक राजा भी डरते थे। जिस इलाके में अंगुलीमाल रहता था वहाँ आसपास कोई भी नहीं रहता था, सभी लोग उस इलाके को छोड़कर भाग जाते थे। इसलिए अंगुलीमाल के लिए यह कठिन हो गया कि वह अपना व्रत कैसे पूरा करे। एक दिन बुद्ध उस गांव के पास जंगल में रहने के लिए गए हुए थे। जब बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे तब गांव वालों ने कहा कि आप इस जंगल में मत जाओ, वहां पर एक पागल हत्यारा रहता है जिसने अभी तक 9999 लोगों की हत्या कर दी है, कृपया आप वहां मत जाइए। अंगुलीमाल किसी को मारने से पहले दो बार नहीं सोचता, वह यह नहीं देखेगा कि आप बुद्ध हैं। बुद्ध कहते हैं यदि वहां मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा, वह किसी एक का ही तो इंतजार कर रहा है, इसीलिए मैं ही चला जाता हूं। मैं वहां जाने का जोखिम लेना चाहूंगा, या तो वह मुझे मारेगा या फिर मैं उसको मारूंगा। इतना कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं। बुद्ध के अनुयायी जिहों ने मरते दम तक बुद्ध की शरण की कसम खाई थी। उन्होंने भी अंगुलीमाल के डर से अपने कदम पीछे हटा लिए। अंगुलीमाल का डर उनको जंगल के विरुद्ध ले गया, लेकिन बुद्ध आगे बढ़े। जिस वक्त बुद्ध जंगल में बहुत आगे पहुंचे तब अंगुलीमाल एक चट्टान पर बैठा था। अंगुलीमाल ने सोचा कि शायद इस आदमी इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर इसको इस बात का ध्यान होता तो ये यहाँ पर नहीं आता। जब बुद्ध उस चट्टान पर पहुंचे तो अंगुलीमाल ने बुद्ध को ध्यान से देखा तो बुद्ध बहुत मासूम लगे। उसने बुद्ध को न मारने की सोची और अपने व्रत को पूरा करने के लिए किसी और को मारने का निश्चय किया। जैसे ही महात्मा बुद्ध उसके नजदीक आए अंगुलीमाल ने कहा कि यहाँ से लौट जाओ, आगे मत आओ। मैं अंगुलीमाल हूँ, मैंने 9999 लोगों को मार दिया है, अब मुझे केवल एक अंगुली की जरूरत है। मैंने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, तुम यहाँ से लौट जाओ, तुम मेरे पास मत आओ। तुम एक सन्यासी की तरह लगते हो, हालांकि मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, पर मुझे तुम्हारी मासूमियत मारने नहीं देंगी, इसलिए तुम अपने कदम आगे मत बढ़ाओ, लौट जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती मारना पड़ेगा। इसके बावजूद अभी भी बुद्ध अंगुलीमाल की तरफ बढ़ रहे थे। अंगुलीमाल ने सोचा कि हो सकता है कि यह आदमी बहरा और पागल हो, इसलिए उसने चिल्लाकर बोला आगे मत आओ, वापस लौट जाओ। बुद्ध ने कहा मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अंगुलीमाल जा तो तुम रहे हो, मैं तो हर क्षण में रुका हुआ हूँ। जब मेरे लिए कोई प्रेरणा ही नहीं है तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं है। जब मैंने अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं तो फिर मुझे अब चलने की जरूरत क्या है। चल तो तुम रहे हो, रुकने की सलाह तो मुझे तुमको देनी चाहिए, तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल अब तक चट्टान पर बैठा था, वहीं से वह हंसने लगा, तुम वाकई में पागल हो, मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ और तुम मुझको ही रुकने की सलाह दे रहे हो। चल तो तुम रहे हो और कहते हो कि तुम रुके हुए हो। बुद्ध उसके पास आए और कहा मैंने सुना है कि तुमको एक और अंगुली की जरूरत है, मेरे इस शरीर ने सभी लक्ष्य को पूरे कर लिए हैं,
मरने के बाद मेरे इस शरीर को जला दिया जाएगा, तब यह किसी काम का नहीं रहेगा। अगर अभी किसी के काम आ जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तुम इस शरीर का उपयोग कर सकते हो और अपने व्रत को पूरा कर सकते हो। तुम मेरी अंगुली को काट दो और मेरे गले को भी काट लो। मैं इसी उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ कि मेरा शरीर भी कुछ काम आ जाए। मरने के बाद वैसे भी इस शरीर को जला दिया जाएगा। अंगुलिमाल ने कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अकेला मैं ही पागल हूँ, लेकिन तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, मैं तुमको यहीं पर मार सकता हूँ। बुद्ध ने कहा कि मुझे मारने से पहले एक काम कर दो, तुम इस पेड़ की एक टहनी काट दो। अंगुलिमाल ने झट से पास में खड़े एक बड़े पेड़ की टहनी को काट दिया। बुद्ध ने कहा, अभी एक चीज और, इस टहनी को वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलिमाल ने कहा, अब तो तुम निश्चित रूप से पागल हो, मैं इस पेड़ को तोड़ तो सकता हूँ लेकिन जोड़ नहीं सकता। बुद्ध हंसने लगे, जब तुम किसी चीज को बिगाड़ सकते हो और उसको सुधार नहीं सकते तो तुमको बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। बिगाड़ना तो बच्चों का काम है और मुझे तो इसमें कोई बहादुरी नहीं दिखती। इस टहनी को तो कोई काट सकता है, लेकिन जो इसको जोड़ देगा वो कोई बहादुर ही हो सकता है, और तुम भी इसको वापस नहीं जोड़ सकते। जब तुम इस टहनी को नहीं जोड़ सकते तो तुम इंसानों के हाथों को क्या जोड़ोगे? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? अंगुलिमाल ने अपनी आंखें बंद की और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला है, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। अंगुलिमाल एक क्षण में ही प्रबुद्ध बन गया। अगले दिन से ही उसने बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली। अब अंगुलिमाल एक भिक्षु बन गया था। बौद्ध भिक्षु होने के नाते अंगुलिमाल भी भिक्षा टन के लिए जाता था। अंगुलिमाल को देखकर लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे। लोग अभी भी उससे डरते थे, कहीं अंगुलिमाल किसी के ऊपर हमला न कर दे, इसलिए किसी ने भी अंगुलिमाल को भिक्षा नहीं दी। जब जब अंगुलिमाल भिक्षा के लिए गुजरता तो लोग उस पर पत्थर बरसाते, यहाँ तक कि उसके घरवाले भी अंगुलिमाल के पूरे शरीर से खून बहने लगा। तब वह वापस बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसकी हालत देखकर पूछा कि कैसा लग रहा है। अंगुलिमाल ने बुद्ध को कहा, धन्य है आप बुद्ध जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। अभी जिन्होंने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए वो इस शरीर को मार सकते हैं, लेकिन मुझे छू भी नहीं सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी हत्याएं की हैं, उसका मुझे कोई तथ्यात्मक ज्ञान नहीं था, पर आपने मुझे एक क्षण में ही सब कुछ पढ़ा दिया है। इसके बाद अंगुलिमाल एक बहुत ही बड़ा बौद्ध भिक्षु बन गया। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।